देखिए इस समय इंडिया के ऊपर अब दो धारी तलवार लटक रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए अभी अमेरिका ने G7 कंट्री के साथ मिलकर इंडिया को और जो भी ज्यादा नेचुरल एनर्जी खरीदने वाले देश हैं उन सबको ये प्रस्ताव ये ऑफर दिया कि उन्होंने बोला कि अगर आप सब देश रशिया पर ऑयल प्राइस कैप लगा देते हो तो आप सीधा बाकी के जो ऑयल बेचने वाले देश हैं जैसे ईरान और वेनेजुएला वहां से डायरेक्ट ऑयल खरीद सकते हो। तो देखिए अब आप यहां पर पूछोगे कि ये ऑयल प्राइस कैप क्या है, तो देखिए इसको समझते हैं। ऑयल प्राइस कैप इसका मतलब है कि जितने भी देश हैं जो रशिया से नेचुरल एनर्जी खरीदते हैं वो सब देश एक साथ मिलकर रशिया को ये बोले कि हम सब लोग एक ही प्राइस पर तेल खरीदेंगे, मार्केट से कोई लेना देना नहीं। आज मार्केट में अगर $100 है प्राइस और हम सब लोग को $80 में सही लगता है तो हम सब देश मिलकर $80 में ही खरीदेंगे, चाहे मार्केट में कीमत बढ़े या घटे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम सब देश एक ही कीमत पर तेल खरीदेंगे। तो ये होता है प्राइस कैप। इससे हम प्राइस यानी कीमत को बढ़ने पर रोक लगा देने का एक तरीका है। इससे हम प्राइस को इंक्रीज होने से बचाने के लिए प्राइस कैप लगाते हैं। तो बेसिकली यही है कि हम सब देश एक ही कीमत पर तेल खरीदेंगे, चाहे मार्केट में तेल का प्राइस बढ़े या घटे वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो पहले ये समझते हैं कि अमेरिका और G7 के जो देश हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए आप सबको ये तो पता ही है कि रशिया और यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, और तो और इसमें बाकी के जो सब देशों को पता है कि रशिया को हराने के लिए उसके पैसे खत्म करने पड़ेंगे, उसको फाइनेंशियली वीक करना पड़ेगा, तभी जाकर यूक्रेन वॉर खत्म होगी और रशिया पीछे हट जाएगा। तो बस ऐसा ही करने के लिए सब देश अमेरिका यूरोप ऐसा कर रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए रशिया ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उसने कई देशों का मजाक भी उड़ाया है, जैसे कि जो देश रशिया की नेचुरल एनर्जी को बॉयकॉट कर रहे हैं जैसे कि यूरोप है तो रशिया ने वीडियो में बताया कि यूरोप में ठंड आने वाली है और कोई भी ऑयल नेचुरल रिसोर्स ना होने के कारण यूरोप पूरा बर्फ से जम जाएगा और इससे पूरे यूरोप को बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ऐसे रशिया भी कुछ ना कुछ वीडियो शेयर कर करके बाकी के देशों को वार्न कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि अब रशिया ने इंडिया को लेकर क्या बोला। तो देखिए तो अब देखो जो रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं सर्वजेट रेवरोल इन्होंने कहा कि जो भी देश हैं वो अगर ऑयल प्राइस कैप का सपोर्ट करेंगे तो हम उसे कोई नेचुरल रिसोर्स यानी कि नेचुरल थिंग्स ऑयल्स नहीं बेचेंगे। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये भी बोला कि हमें उम्मीद है कि इंडिया तो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने ये भी बताया कि यह एक ट्रैप है अमेरिका का इंडिया को, लेकिन ये तो चलो रशिया तो ऐसा बोलेगा ही। तो अब वो दो धारी तलवार यही है कि अगर इंडिया अमेरिका का ऑफर एक्सेप्ट करता है तो इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ खराब हो जाएगा, और अगर रशिया की बात मानता है तो यूरोप और अमेरिका से रिलेशन खराब होंगे। तो अब ये डिसीजन इंडिया के लिए बेहद टफ बन गया है। तो अब देखना ये है कि अब इंडिया किसका साथ देता है, रशिया का बात मानता है तो यूरोप से रिलेशन खराब होंगे, अमेरिका का रिलेशन मानता है तो रशिया से रिलेशन खराब होंगे। तो देखो इसमें जो भी हो ये बेहद टफ सिचुएशन है इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इससे फायदा इंडिया का है। देखिए वो कैसे वो समझते हैं, फायदा इंडिया का ही होगा प्राइस के मामले में। अगर अमेरिका का ऑफर मान लेता है तो इंडिया डायरेक्ट ईरान से तेल खरीद सकता है, तो और इससे हमें फायदा होगा, इंडिया में ऑयल का प्राइस कम होंगे तो हमें भी सस्ते मिलेंगे। तो ये काफी कुछ है। तो बस यही देखना है कि इंडिया किसका साथ देती है। ये भारतीय सरकार भारत की सरकार के लिए एक बेहद टफ सिचुएशन है कि अब वो देखते हैं कि अब वो यहाँ पर भी न्यूट्रल रहती है या किसी और का एक पलड़े पर झुक जाती है। तो ये देखते हैं। तो देखिए ये सब जो होता है ना, ये सब आई होप ये सब आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो देखो ये सब जियो पॉलिटिकल रिलेशन होता है ना, ये बहुत मजेदार होता है। जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं है, बस फायदा देखा जाता है और कुछ नहीं। आज इंडिया की सब बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में सबको प्रॉफिट लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। जिस दिन प्रॉफिट बंद सब बंद। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।